खबर है बाड़मेर के बालोतरा से, जहां पर अवैध खनन बेखौफ जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन कर पहाड़ों को खोखला लगातार यहां पर कर रहे हैं। थोप, असाड़, असोत्रा, मेवानगर गांव की पहाड़ियों में लीज धारक के साथ अवैध खनन माफिया भी अंधाधुंध खनन कर चांदी कूट रहे हैं। इन पहाड़ियों से बिना ई रवाना के रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रक पत्थरों से भरे जा रहे हैं, जिससे रोजाना सरकार को लाखों रुपए की चपत लग रही है। पूरे मामले में खनन विभाग और पुलिस की भी मिलीभगत साफ नजर आती है। पचपदरा पुलिस थाने के आगे से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध खनन से भरे गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। जैसलमेर पारेवर गांव से जैसलमेर जाने वाली निजी बस पलट गई बरसात के कारण। चूंकि सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, इन्हीं गड्ढों में फिसलकर अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। पारेवर फाटा के पास की पूरी घटना हाल बताई जा रही है। बस पलटने की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत की बात है, चूंकि रफ्तार ज्यादा होने से बड़ा हादसा भी हो सकता था। खबर अब बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां पर एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के यहां जीएसटी की एंटीविजन टीम ने छापा मारा। छापे में लाखों की टैक्स चोरी के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि महिंद्रा ट्रांसपोर्ट की ओर से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की खुफिया जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद जोधपुर और जयपुर की संयुक्त टीम ने खेड़ रोड स्थित गोदाम में छापा मारा और दस्तावेज खंगाली। तो वहीं ACTO नितिन तिवारी के नेतृत्व में टैक्स चोरी को लेकर बिल बुक्स और कंप्यूटर जब्त कर जांच प्रारंभ की गई। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। वार्ड नंबर 1 की मौला की ढाणी में बंदरों ने एक अधेड़ पर हमला कर दिया। बंदरों के इस हमले में गंभीर रूप से बाबूलाल घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में एडमिट करवाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो पहले भी कई महिलाओं को बंदर काट चुके हैं। बंदरों का आतंक इस कदर है कि घर से बाहर निकलना भी दूभर इन लोगों का हो गया है। तो वहीं घरों में रखा सामान कपड़े भी बंदर इधर उधर ले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। बीकानेर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के जरिए अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम परिषद ने आमजन को जागरूक किया। ये रैली मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर अंबेडकर सर्कल, कलेक्ट्रेट, पब्लिक पार्क, वरिष्ठ जन भ्रमण पत्र होते हुए मानसिक रोग और नशा मुक्ति विभाग पहुंची। साइकिल रैली को प्राचार्य तथा नियंत्रक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर SS राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आत्महत्या रोकथाम दिवस मना रहे हैं और ये इन्होंने जो मनोचिकित्सक विभाग है हमारा, इन्होंने बहुत अच्छा नवाचार किया है। और आज के युग में जो हमारा यूथ है वो काफी इमोशनली डिस्टर्ब और काफी स्ट्रगल फ्री जिंदगी जीता है इमोशनली, तो उनको इस चीज से, इस कृत्य से बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हमें विदित है कि एक सेलिब्रिटी ने अभी किया और काफी नेशनल चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वो इस कृत्य के कारण है। तो हम चाहते हैं कि मनोचिकित्सा विभाग व हमारी जो समाज है ये सब मिलके ऐसे कदम उठाए कि जो हमारी जो यूथ है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो इस कृत्य से बचे और इस कृत्य का पूरा हम रोकथाम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोचिकित्सा विभाग को धन्यवाद देता हूँ, उनके HOD सैनी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का नवाचार करके एक जागरूकता अभियान शुरू किया है।